रायबरेली अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए जैसे विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसी विभाग के चलते आज लगभग आधा दर्जन महिलाएं और बच्चे अपना घर बार छोड़ चुके हैं, अपराधियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के घासियारी मंडी का है, जहां कीचड़, गंदगी और चार पहिया वाहन निकालने को लेकर एक वर्ष पहले एक परिवार द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना में भी साफ साफ ये दबंग द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ। इस घटना में भी महिलाओं का कहना है कि पुलिस में एक गैर जनपद में तैनात दरोगा के दबाव में दबंग परिवार का कोई कार्रवाई इस घटना में महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया। उसे घटना के एक बुजुर्ग आरोपी की इस घटना के बाद और इस घटना के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई, क्योंकि सामाजिक बेइज्जती और पुलिस विभाग द्वारा प्रताड़ना वो झेल नहीं सका। फिर एक बार वही मामला उभर कर आया है, जिसमें मोहल्ला निवासी राजेश सोनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोहल्ले के ही अनिरुद्ध पांडे पुत्र परमानंद, उनके दोनों पुत्र आयुष पांडे और अमन पांडे एवं अरुण कुमार सोनी और उनकी पत्नी मंजू सोनी और 45 अज्ञात लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर हमला कर दिया। बीच बचाव में कई लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन इस मामले में भी पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त रायबरेली शहर में हूँ। कहाँ पे हूँ ये बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसा मामला है जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ लोग फरारी काट रहे हैं पुलिस के डर के मारे। क्यों डर के मारे? क्योंकि एक परिवार है जो कि लगातार पूरे मोहल्ले में आतंक फैला रखा, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना आज कुछ विरोध किया गया, जिसमें मारपीट हो गई, जिसके लिए ये लोग एसपी ऑफिस गए, वहाँ से थाने गए। थाने जाने के बाद जो है पुलिस में क्या कार्रवाई हुई कि पुलिस खुद इनके घर पर दबिश डाल रही है। और बताते चले कि जो है पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला मारपीट का सामने आया था, जिसमें जो है मारपीट हुई थी, लेकिन बताते हैं ये लोग कि जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम ही लोग को जेल भेज दिया गया था। अब हमारे साथ कुछ महिलाएं जो कि महिलाएं फरारी काट रही हैं, सब घर की महिलाएं जो कि जिनको कहते हैं कि घर की महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, वो फरारी काट रही। पूछते क्या मामला है, क्या नाम है आपका, क्या मामला पूरा ये? जी रेनू सोनी। क्या मामला था ये? मामला ये है कि आए दिन वो बदतमीजी करता रहता है। कौन बदतमीजी? पहले नाम बताइए, कौन बदतमीजी करता है? अनुरोध पांडे। क्या बदतमीजी करता है? कमेंट करता है, गंदी गंदी बातें करता है कि कहाँ इस तरह से पड़ी हो कचड़े में, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी की बातें करता रहता है। और जब उससे कुछ कहो तो गालियाँ देता है। तो वही आज हमारे हस्बैंड कहने गए और बस उतने में वो गाली देने लगा, उसी में मारपीट हो गई। अच्छा, इनका कहना है गंदे 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 कमेंट्स करता है, इस वजह से मारपीट हो गई। मैम क्या नाम है आपका? मालनी सोनी। इससे पहले क्यों झगड़ा हुआ था? इसके पहले जो झगड़ा हुआ था क्यों हुआ था? पिछले साल ये हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी की दुकान खोल रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी, उनको ये मार रहा था। और इसके तीन जने मिलकर, इसका लड़का और इसके छोटा लड़का, तीनों जने, इसका बाप, तीनों जने मार रहे थे। तो हमारे आदमी ने कहा कि समझाने गए कि भैया ये क्यों मारपीट कर रहे हो, बात से समझ लो क्यों मारपीट कर रहे हो। तो ये इसने क्या करा, उल्टा हमारे आदमी को मारना शुरू कर दिया, और मारना शुरू कर दिया, उसमें मारपीट बढ़ गई और उसने मेरे आदमी का हाथ तोड़ डाला। और आज फिर इसने ये एक साल का ये मामला चला रहा है, एक साल पहले मारपीट हुई, जिसमें कि जो है एक परिवार ने जो है पूरे मोहल्ले में आतंक फैलाया, और महिलाओं का कहना है कि हमारे आदमियों को मारा पीटा, और बदतमीजी भी खुद भी करता है, लेकिन जेल भी हम ही लोग गए। इसमें कितने लोग जेल गए थे कुल इस मामले में? आठ लोग गए थे जेल। और उनकी तरफ से कौन गया था? कोई नहीं। उनकी तरफ से कोई नहीं गया था, उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो है इस मामले को भी R9 चैनल ने बहुत पहले चलाया था, एक साल पहले चलाया था इस खबर को जो है, उसके बाद फिर ये मामला हुआ है और फिर जो है R9 चैनल इनके समक्ष हाजिर है। साथ में ये भी बताते चलें कि जो है 9 लोग जेल गए थे और एक्स पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं, यानी कि विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं, इन महिलाओं का ना। मैम ये आदमी कौन है जो दबंगई कर रहा है, योगी जी की सरकार चल रही जो कि इन बताते हैं ये लोग कि जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हम ही लोग को जेल भेज दिया गया था। अब हमारे साथ कुछ महिलाएं जो कि महिलाएं फरारी काट रही हैं, सब घर की महिलाएं जो कि जिनको कहते हैं कि घर की महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, वो फरारी काट रही। पूछते क्या मामला है, क्या नाम है आपका, क्या मामला पूरा ये? जी रेनू सोनी। क्या मामला था ये? मामला ये है कि आए दिन वो बदतमीजी करता रहता है। कौन बदतमीजी? पहले नाम बताइए, कौन बदतमीजी करता है? अनुरोध पांडे। क्या बदतमीजी करता है? कमेंट करता है, गंदी गंदी बातें करता है कि कहाँ इस तरह से पड़ी हो कचड़े में, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी की बातें करता रहता है। और जब उससे कुछ कहो तो गालियाँ देता है।
तो वही आज हमारे हस्बैंड कहने गए और बस उतने में वो गाली देने लगा, उसी में मारपीट हो गई। अच्छा, इनका कहना है गंदे कमेंट्स करता है, इस वजह से मारपीट हो गई। मैम क्या नाम है आपका? मालनी सोनी। इससे पहले क्यों झगड़ा हुआ था? इसके पहले भी झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ था? पिछले साल ये हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी की दुकान खोल रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी, उनको ये मार रहा था। और इसके तीन जने मिलकर, इसका लड़का और इसके छोटा लड़का, तीनों जने, इनका बाप, तीनों जने मार रहे थे। तो हमारे आदमी ने कहा कि समझाने गए कि भैया क्यों मारपीट कर रहे हो, बात से समझ लो क्यों मारपीट कर रहे हो। तो ये इसने क्या करा, उल्टा हमारे आदमी को मारना शुरू कर दिया, और मारना शुरू कर दिया, उसमें मारपीट बढ़ गई और उसने मेरे आदमी का हाथ तोड़ डाला। और आज फिर इसने ये एक साल का ये मामला चला रहा है, एक साल पहले मारपीट हुई जिसमें कि जो है एक परिवार ने जो है पूरे मोहल्ले में आतंक फैलाया, और महिलाओं का कहना है कि हमारे आदमियों को मारा पीटा और बदतमीजी भी खुद भी करता है, लेकिन जेल भी हम ही लोग गए। इसमें कितने लोग जेल गए थे कुल इस मामले में? आठ लोग गए थे जेल। और उनकी तरफ से कौन गया था? उनकी तरफ से कोई नहीं गया था, उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो है इस मामले को भी R9 चैनल ने बहुत पहले चलाया था, एक साल पहले चलाया था इस खबर को जो है, उसके बाद फिर ये मामला हुआ है और फिर जो है R9 चैनल इनके समक्ष हाजिर है। साथ में ये भी बताते चलें कि जो है 9 लोग जेल गए थे और एक्स पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं, यानी कि अब विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं, इन महिलाओं का ना। मैम ये आदमी कौन है जो तीर दबंगई कर रहा है, योगी जी की सरकार चल रही जो कि, अच्छा ये बताइए आप, नहीं बात ये हो रही है कि आप ये तीन महिलाएं हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, फरार क्यों हुए घर से? घर में तो तालाबंद। फरार इसीलिए कि थाने में कोई सुनवाई होती नहीं, और अब इसी तरह की दबंगई में डर तो लगता ही है छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहने में। नहीं, क्या पुलिस आपके घर आई है? हाँ आई है, और लेके गई थी इन लोगों को, हमारा तो वीडियो नहीं था, तो हमको कह रही थी तू भी चल, तो हमने कहा सर हम तो थे नहीं वीडियो में, हम तो थे ही नहीं लड़ाई में, तो फिर हमने कहा तू भी चल, ये कौन सी भाषा है? ये नहीं, ऐसे ही बोला था, ऐसे ही उन्होंने बोला था, हमसे कहा तू भी चल, तो हमने कहा सर हम तो थे ही नहीं, हम तो पूजा कर से उठ के पीछे कमरे में चले गए थे, और मुझे कुछ पता ही नहीं कि लड़ाई कब हुई, जब आवाज़ आई तो हम बाहर गए ऊपर से देखे, तब तक लड़ाई खत्म हो गई थी, ना हम गए ना मेरा हस्बैंड गया, तो हम क्यों चलें? तो कहने लगा नहीं तू भी चल, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, मेरा छोटा बच्चा है, और हम लड़ाई में थे नहीं, मेरा वीडियो में भी नहीं, आप वीडियो देख सकते। तब उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, चले गए। तू भी चल मैं आता हूँ, ये है मिलेजा थाने पुलिस की कहानी, जो कि महिला ने खुद बताया कि क्या पुलिस वाले इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते एक घर की महिलाओं के साथ कि तू भी चल, इसका क्या मतलब निकला जाए? तू का मतलब तो बहुत सी अन्य भाषाओं में कई तरह से निकाले जा सकते हैं कि तू का मतलब क्या होता है, बाकी हमारे दर्शक और पाठक निकालेंगे। लेकिन बताते चले कि घसियाड़ी मंडी मिलेजा थाना क्षेत्र में एक मोहल्ले में लगातार एक साल से विवाद मचा हुआ है, और थाने की पुलिस इनके महिलाओं खुद कहना है कि केवल हम लोग पर कार्रवाई करें, उन पर कार्रवाई नहीं करें, जिससे उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आनंद भारत से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आदमी बचा जाओ तो कहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रीति सोनी। कहाँ रहने वाले? घसियाड़ी मंडी। क्या मामला, क्या झगड़ा है? मामला ये है कि ये जो अनिरुद्ध पांडे हैं डॉक्टर साहब, ये जब शाम को आते हैं तो हमारे जो है घर से जुड़ा हुआ इनका मकान है, तो ऊपर छत में चढ़ते हैं और अपने कोने में चढ़ के बात गालियां देते हैं, क्योंकि इनकी फ़ोटो ना आ सके उसमें कैमरे में मेरे, और ये अब हमारी जो है हम अपनी लड़की के साथ ऊपर छत में जब टहलने के लिए बैठने जाते हैं तो ये एक दो बार फ़ोटो बनाएं कि वीडियो बनाएं जो भी हो, कैमरा अपना चालू करे थे, हम अपना उठ के हट गए थे। तो उसका कभी विरोध किया गया? विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि अब अगला इंसान इतना बदतमीज है और थाने में कहीं सुनवाई भी नहीं होती है, उसका इतना पावर है, उसके जो भाई हैं दरोगा हैं सब बड़े बड़े पोस्ट में हैं, तो इसलिए हम अपने आदमी को, बच्चों को इसलिए दबा देते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे आदमी से उलझने का, कि खुद भी जो है गलती ना करो फिर भी जेल खुद ही को हो जाए। माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ तक मेरी बात ले कौन जाएगा? क्या कहना चाहेंगे वहाँ योगी जी से? योगी जी तक अगर हमारी समस्या पहुँचे तो यही कहना चाहेंगे कि योगी जी इंसाफ करें और अपना जो है अपने पुलिस को भेज के सारी छानबीन करें, क्योंकि मेरा पूरा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले की औरतें इस चीज़ के लिए गवाह हैं कि ये कितना बदतमीज है, 24 जिस समय भी हमारे बच्चे निकलते हैं गाली देता है, गंदी गंदी माँ बहनों की गाली देगा तो बच्चे कितना बर्दाश्त करेंगे? चलो हम हैं तो अपने को बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने आदमी को समझा देते हैं, लेकिन बच्चे, हर एक बच्चे तो नहीं समझ सकते ना
क्या नाम है आपका? रेनू सोनी। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, ये जब देखो तब बदतमीजी करते रहते हैं, पानी भरने जाओ तो बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड उनसे कहने गए तो उसी में गालियाँ गलौज होने लगी, उसी में मारपीट हो गई। और पिछली बार भी झगड़ा हुआ था, मेरे पति थे भी नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जेल काट के आए, 10-12 दिन जेल काट के आए बिना फिजूल में, कहीं पर भी मेरे पति का नाम नहीं था। अच्छा, क्या वजह कि एक आदमी से इतनी महिलाएं इतने पुरुष परेशान हैं? वो बदतमीज किस्म का इंसान है, वो डॉक्टरी करता है। नहीं, बदतमीजी में क्या करता है? बदतमीजी में यही कमेंट करता है, गंदी गंदी बातें करता है और इसी तरह की बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मालनी सोनी। कहाँ के रहने वाली हैं? घसियारी मंडी। थाना क्या लगता है? मलेरिया थाना। क्या मामला है? मामला ये है कि ये जो डॉक्टर है ये आए दिन है ना यहाँ से निकलता है और रोज़ गाली देता है। हमारे उसका लड़का हमारी लड़कियों को यही क्रॉसिंग के पास छेड़ता है, साइकिल रोक लेता है, उनसे बदतमीजी करता है और उनके तरह तरह के कमेंट करता है। और इसके लिए आज हमने आदमी इनको समझाने गए तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और इसके पहले भी है ना लड़ाई हो चुकी है और जेल काट चुके हैं हमारे आदमी, तभी ये मान नहीं रहा है, तभी बदतमीजी कर रहा है। कौन डॉक्टर साहब हैं, कहाँ के डॉक्टर हैं? ये डॉक्टर होम्योपैथिक के हैं, अब ये नहीं। हम अच्छा, थाने गए तो क्या हुआ वहाँ? थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, खाली उधर ही की सुनवाई होती है, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। पिछले बार भी यही हुआ है हमारे लोगों के साथ, बेगुनाहों को जेल डाल दिया और गुनाहगार को छोड़ देते हैं। अब क्या हो रहा है? अब भी यही हो रहा है, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज गए भी थे, हमें सारा दिन बैठा रहे। तो आप घर छोड़ के क्यों भागी भागी फिर रही हैं? अब यही लिए भागे भागे फिर रहे हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि चलो जेल चलो थाने में डाल देंगे, उल्टे सीधे बोलते हैं, उल्टा सीधा शब्द निकालते हैं। तो आपके घर वाले भी? हमारे घर वाले भी भागे भागे फिर रहे, हमारे लड़के को भी फंसा दिया, हमारे आदमी को भी फंसा दिया है। तो घर में ताला बंद है? ताला बंद है, हमारे बच्चों को भी, हमारी लड़कियाँ, हम तीनों जने भागे भागे फिर रहे हैं। कुल कितने लोग हैं घर में? घर में खाली हम, हमारे दो बेटियाँ हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? घसियारी मंडी थाना मलेरिया। मलेरिया जी। क्या है मामला? मामला है अनुरुद्ध कुमार पांडे जिसका भाई दरोगा है, वो आए दिन दबंगई गाली गलौज करता है। अभी एक दो साल पहले भी गाली गलौज कर रहा था, हमको मारा, हाथ टूट गया था, उसमें प्रशासन सुनाई नहीं करती है। आज भी एप्लीकेशन लेके कोई डॉक्टरी नहीं करा रहा, कहना जाइए आप डॉक्टरी कराइए जाके। और वो धमकी देता, मेरा भाई दरोगा है, प्रशासन में कुछ नहीं होगी, तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा, जान से मार दूंगा, रहने नहीं दूंगा मोहल्ले में। अभी जैसे गाड़ी खड़ी की आज सुबह की बात है, फिर गाली देने लगा। हम कहा भैया गाली क्यों दे रहे हो? तो फिर मारपीट में हम चैन पहने 10 ग्राम उसको भी छीन लिया, उसका उसका लड़का दो और मोहल्ले को उसके साथ राजेश मंजू और अन्य 4-5 लोग हम जिनको नहीं पहचानते हैं। धमकी दे के जा रहा तुमको मैं रहने नहीं दूंगा मोहल्ले में, मेरा भाई दरोगा है। एप्लीकेशन दिया कहीं? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन डाल लिया, डॉक्टरी नहीं करा रहे, कहीं जाइए आप अस्पताल में इलाज कराइए जाए।